मैम, ये मशीन से आप कितने केजी बना लेती हैं रोज? डेढ़ से दो केजी रोज बना लेती हैं। अच्छा, कितना बजे ऑफिस आती हैं आप? ये 10 बजे आते हैं, 6 बजे चले। 4 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, तब भी ये अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और ये देख रहे, छोटी सी मशीन है, जितना बड़ा सिलाई मशीन है ना, उससे भी छोटी मशीन है, और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखा पाए, बता पाए कि आप अपना बिजनेस कैसे। सिंपल सी बात है, अगर आप एक 15,000 प्लस GST का अमाउंट लगा रहे हो किसी मशीन में, और आप मिनिमम की बात कर रहा हूँ ना, 1.5 किलो भी निकाल रहे हो मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तब भी आपके 300 रुपये पर डे बनते हैं। अच्छा, नमस्कार साथियों, मैं संजय गुप्ता बिजनेस आइडिया के नए एपिसोड में एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जानते हैं मैं जब भी आता हूं, एक नए बिजनेस आइडिया, एक नई मशीन, एक नई फैक्ट्री, कोशिश करता हूं कि आपको हर बार ऐसा बिजनेस दिखाया जाए और बताया जाए जिसे बहुत ही आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि ये कौन सा बिजनेस है, कैसे शुरू कर सकते हैं आप एक छोटी सी मशीन लगा के अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सही सुन पा रहे हैं, इसकी कीमत आप जानेंगे पहली बार आप, कितना सस्ता और कितना अच्छा मशीन मिल रहा है। आज इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे और दिखाएंगे कि आप सिर्फ माल बनाएं, कंपनी जितना बनाएंगे उतना खरीद लेगी। तो आज हम इसकी पूरी जानकारी बताएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे साथियों। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे साथियों को छोटा सा परिचय दीजिए कि आपके कंपनी का क्या नाम है, ये कंपनी कहाँ पर है सर? सर मेरा नाम मोहित कुमार है और मेरी कंपनी का नाम SKG एंटरप्राइज है। ये मंगोलपुरी पत्थर मार्केट रोहिणी सेक्टर 2 दिल्ली में स्थित है। अच्छा जी, आज जो मेरे साथियों को बिजनेस बताने वाले हैं, दिखाने वाले, वो कौन सा बिजनेस है सर? सर ये कॉटन विक्स रेडी बिजनेस है। ये है गोल बत्ती बनाने वाली मशीन। अच्छा, बहुत सारों को लोगों को ये लगता है कि ये जो गोल बत्ती मशीन है ये महंगी आती है, सस्ती आती है, इसमें ऑटोमेटिक लेनी चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक लेनी चाहिए। इसके बारे में ही आज आपको थोड़ा डिटेल से मैं समझाने वाला हूँ। अच्छा जी, तो 1 by 1 करके मुझे आज सर बताइए कि ये मशीन की क्या कीमत है, कितने की मशीन है, कैसे ले सकते हैं, और आपका कहना है इसका बाईबैक भी करते हैं? यस सर, इसका बाईबैक भी करते हैं। बहुत सारे लोग इसको ज़्यादा कीमत पर बेच के बाईबैक लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ और सिर्फ हमारे यहाँ पे इसकी जो कीमत स्टार्ट होगी विद बायबैक वो 15,000 प्लस GST से। हाँ जी, सही सुना आपने, 15,000 प्लस GST से इसकी कीमत चालू हो जाएगी, जिसमें कि हम आपको बायबैक फैसिलिटी भी देंगे। आपका कहना है कि बायबैक करेंगे? यस सर। बायबैक कैसे करेंगे, क्या कोई एग्रीमेंट कराते हैं, कोई लिखित कागज देते हैं, ये कैसे आदमी को ट्रस्ट होगा कि आप बायबैक लेंगे? सर देखिए, मैं कोशिश करूंगा कस्टमर से कि एक बार हमारी फैक्ट्री में विजिट करें। बिल्कुल ठीक है, आप हमारी फैक्ट्री विजिट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कितनी जोरों शोरों से यहाँ पे काम चल रहा है। जो 15,000 प्लस GST का जो अमाउंट बताया मैंने आपको, आप कहीं से और से मशीन लेते हो तो आपको नॉर्मल मशीन दे देगा, उसमें बायबैक नहीं करेगा आपका। लेकिन हम 15,000 रुपये में, 15,000 प्लस GST के अमाउंट में आपको बायबैक विद एग्रीमेंट के साथ करके देंगे इसका। अच्छा, एग्रीमेंट कराएंगे? यस सर। आप यकीन न माने तो मैं इसकी एग्रीमेंट की कॉपी आपको दिखा सकता हूँ। पहले हम एग्रीमेंट की कॉपी देख लेते हैं। हाँ ये देखिए सर। हाँ मुझे जरा ये देखो, ये जितने भी एग्रीमेंट है देख रहे हो आप? हाँ जी, ये सारे इस महीने के एग्रीमेंट है। अच्छा अच्छा, हर महीने एग्रीमेंट करा? हर महीने एग्रीमेंट देख सकते साथियों। कोशिश किया हूँ आपको दिखा पाए बता पाए, ये कोर्ट का एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के हिसाब से आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी पहले इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने लेवल पे, तब अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मोहित से जरा मुझे बताइए अपने मशीन के कुछ बारे में, ये मशीन घर के लाइट से चलेगी, क्या प्रोडक्शन है, कुछ इसके बारे में बताइए। सर हाँ, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, ये जो मशीन है जी, ये घरेलू उद्योग के लिए, मतलब डोमेस्टिक मशीन है। अच्छा, ये सिंगल फेस पे चलती है घरेलू लाइट पे। अच्छा, अगर कोई पूछता है सर कितनी बिजली खाती है कितनी नहीं खाती है, 24 वोल्ट की मशीन कितनी बिजली खाती है, महीने में 50 रुपये का बिल नहीं आएगा। जी हाँ सही सुन पा रहे, पूरे महीने में 50 रुपये का बिल नहीं आएगा इस मशीन का। ठीक है, और कोई बनाने वाला हो, मतलब कहते हैं सर कितनी प्रोडक्शन निकलती है, कुछ लोग कहते हैं कि सर प्रोडक्शन कम निकलती है, कोई कहता है ज़्यादा निकलती है, तो इसकी जो एवरेज प्रोडक्शन होती है वो 2 किलो के अप्रोक्स रहती है। अगर कोई ज़्यादा मेहनत कर सकता है तो वो 2.5 किलो तक भी पहुँच जाएगा। ठीक है, कोई कम मेहनत कर सकता है तो 1 किलो 1.5 किलो। सर सिंपल सी बात है, अगर आप एक 15,000 प्लस GST का अमाउंट लगा रहे हो किसी मशीन में, और आप मिनिमम की बात कर रहा हो ना, 1.5 किलो भी निकाल रहे हो मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तब भी आपके 300 रुपये पर डे बनते हैं। अच्छा, 300 रुपये पर डे बनते हैं। उस हिसाब से अगर महीने की आपकी इनकम इससे 9,000 हो गई, तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है सर जिसमें आप 15,000 रुपये लगाओ, 9,000 रुपये महीना कमाओ, ऐसा कोई तो बिजनेस। क्या ये मशीन 15,000 की है? सर 15,000 प्लस GST। सही सुन पा रहा हूं? बिल्कुल सर, 15,000 रुपये
जीएसटी तो अलग से है ही, हर सर जीएसटी तो अलग से रहता है। हाँ, बिल्कुल। तो मान लीजिए 15,000 की मशीन कोई लेता है तो आपने बताया कि 300 रुपए डेली कमा सकते हैं। 300 रुपए डेली कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं इसका जरा बाय? इसका सर देखो, इसकी जो कॉटन आती है वो 300 रुपए किलो आती है, ठीक है। और 1 किलो माल पे हम बायबैक 500 रुपए करते हैं। प्रॉफिट जो कस्टमर को होता है वो 200 रुपए का होता है। एक केजी में जो प्रॉफिट होता है वो 200 रुपए का होता है। अच्छा, ठीक है। तो कस्टमर क्या है, मिनिमम भी बनाएगा अगर 1 किलो बनाता है वो मिनिमम इस पे कॉटन, तो तब भी 1 किलो में उसको 200 रुपए बचेंगे ही बचेंगे। अगर वो फुल टाइम देना चाहता है तो वो 2 किलो भी बना सकता है। तो सारा एक कस्टमर के हिसाब से रहता है सारा। अच्छा, जितनी मेहनत करोगे उतना स्पेन निकलेगा। मतलब 1 केजी में 200 रुपए का प्रॉफिट। कई दिन में 1.5 केजी बनाता है, 2 केजी बनाता है, 3 केजी बना, जितना मेहनत करेगा उतना पैसा प्रॉफिट होता है। इस मशीन की 1 साल से लेकर 5 साल तक की वारंटी रहती है अपनी पूरी। इसमें कोई पार्ट खराब होता है उसको हम चेंज करके देते हैं। अच्छा जी, अब मुझे सर एक बात बताओ, मुझे आपने बताया कि ये घर की लाइट से चलाया जा सकता है। बिल्कुल। तो मैं कैसे विश्वास करें या मेरे साथी कैसे विश्वास करें कि घर की लाइट से चल जाए? सर देखिए, ये मशीनें हैं, ये जो मेरी लाइन जा रही है सिंगल फेस है, आप भी देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल सिंगल फेस पे ही आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिंगल फेस पे और घरेलू बिजली पे मशीन चल रही है, देख पा रहे हैं आप, और एक नहीं कई मशीन चल रही है। ये सभी मशीन जितने भी चल रही है घर की लाइट से? घर की लाइट पे चल रही है सर ये। अच्छा जी। हाँ, और इसमें मैं बताना चाहूँगा कस्टमर को कि किसी भी तरीके का GST लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कोर्स आते हैं जिसमें कस्टमर पूछते हैं कि सर इसके लिए क्या GST लेने की भी जरूरत है, तो इसके लिए GST लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये घरेलू उद्योग में आता है, ठीक है। अच्छा, आपका कल को आप सोचोगे मैं घर पे मशीन लगाऊंगी या लगाऊंगा, तो आपको बिजली विभाग से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये घरेलू उद्योग के अंदर में आता है। मतलब लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं सर। और सबसे खास बात है बायबैक की गारंटी। बायबैक की पूरी फैसिलिटी अपने पास। और आपके पास कहीं 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे टाइम है तो आप आसानी से इस मशीन को चला के अपना पैसा कमा सकते। बिल्कुल। मैम, ये मशीन से आप कितने केजी बना लेती हैं रोज? 1.5 से 2 केजी रोज बना लेती हैं। अच्छा, कितना बजे ऑफिस आती हैं आप? 10 बजे आते हैं, 6 बजे छुट्टी होती है। अच्छा, 10 बजे आती हैं, 6 बजे चली जाती हैं। डेली आप ये बनाती हैं आके? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। देख सकते हैं साथियों कितना आसानी से काम हो रहा है, और आप देख रहे होंगे इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप कम पढ़े लिखे लोग हैं तब भी कर सकते हैं, ज्यादा हैं तब भी। आपके पास 2 घंटा कहीं टाइम है ना, 4 घंटे 2 घंटे 6 घंटे 8 घंटे तब भी ये अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और ये देख रहे, छोटी सी मशीन है, जितना बड़ा सिलाई मशीन है ना उससे भी छोटी मशीन है, और आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखा पाएँ, बता पाएँ कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना आसानी से काम हो रहा है। देखो मैम, 1 साथ 2 पीस बना रही हैं, आप देख रहे हैं। और सबसे खास बात, इसमें कोई टेक्निकल की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें जो भी काम होता है एक बार लाइट लगाने की जरूरत है और दिन भर काम करने की जरूरत है, देख सकते हैं आप। जैसे कि सर आपने देख लिया है मशीन से काम हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, घरेलू बिजली। अच्छा सर, इन लोगों को क्यों रखा हुआ आपने? सर इसका ना बहुत बड़ा रीजन है। क्या इसका रीजन? ये है सर, देखो हमें माल की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। बहुत सारे जो बायबैकर्स होते हैं वो माल देते हैं, हमारी 2-3 टीम है जो अलग अलग प्रोसेस पे काम करती है, ठीक है। जो हमारी मार्केटिंग की जो टीम है वो रेगुलर बेस पे मार्केटिंग करती रहती है। सर देखो, मार्केटिंग करने से होता क्या है कि कस्टमर बहुत सारे बढ़ जाते हैं जो कि हमसे विक्स खरीदते हैं, तो हमें विक्स की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारे नहीं, कुछ कस्टमर की विक्स की पूर्ति के लिए हमने लेडीज रख रखी है। तो सर मान लीजिए कोई इसको 1 महीने में 15,000 रुपये लगा के बिजनेस शुरू करता है, बिल्कुल, तो आपने बताया 9,000 रुपये कमा सकता। हाँ भाई, इसमें क्या है कि 1 किलो माल निकालो, जी ठीक है, मिनिमम बात करता हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको फुल टाइम नहीं होता है, तो पार्ट टाइम करके भी मैं आपके मिनिमम करके चलता हूँ, मिनिमम अगर 2 किलो मतलब 1 किलो भी निकालते हैं तो 200 रुपये उनके हो गए, और मंथली देखा जाए तो 6,000 रुपये, मतलब 2 महीने में या 2.5 महीने में मशीन की लागत बाहर आ गई आपकी, बाहर है, ठीक है। तो वो पार्ट टाइम करके भी इस मशीन से इतना कमा सकते हो। और सबसे खास बात है सर कि इसको बेचना नहीं है। हाँ, इसको बेचना नहीं है सर, कंपनी को ही माल वापस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मेरे से पूछते हैं, सर देखो हमने आपको संग एग्रीमेंट कर लिया, हम क्या माल अपना बाहर नहीं बेच सकते हैं क्या? जी जी। तो इस चीज के लिए एग्रीमेंट क्या होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है। आप एग्रीमेंट में बाउंड नहीं होते हो कि आपको माल हमें देना है। अगर आपकी मार्केट सेट हो रही है धीरे धीरे, कोई आपसे माल मांग रहा है, तो सर देखो मशीन आपने खरीद ली, कॉटन आपने खरीद ली, तो ये बिजनेस आपका हो गया, हम बैठे हैं आपके सपोर्ट के लिए, ठीक है। अगर 10 किलो कॉटन आपने खरीदी, अगर उसमें से 2 किलो अगर बाहर बेच को आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप वो कर सकते हो। अच्छा, हाँ बिल्कुल।
चलो सर, बहुत अच्छी बात है। अब मैं सर जरा कॉटन भी देखना चाहूंगा, कैसा कॉटन आता है, कितने केजी का आता है, जरा इसके बारे में। बिल्कुल सर, मैं कॉटन दिखाना चाहूंगा इसकी। ये आप देखिए, इसकी जो कॉटन आती है वो बेल शेप में आती है। अच्छा, ये देखिए, ये बेल शेप में कॉटन है, बिल्कुल रोप। ठीक है, इसका जो मिनिमम बैग आता है वो 15 केजी का आता है, और जो बंच बनता है वो 30 केजी का बनता है। अच्छा जी, ठीक है, ये 15 केजी का आता है मिनिमम। हाँ, ये मिनिमम 15 केजी का आता है, उसका जो बंच बनता है वो 30 केजी का बनता है। और जो कंप्लीट आपको लोग माल देते हैं, हाँ, उसके बारे में हमको दिखाएं, कैसे माल आपको वापस करेंगे। ये इस तरीके से सिंपली कौन सी पैकेट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये हाफ हाफ केजी के पैकेट्स हैं, आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से नॉर्मली पैक करके और देना होता है। इसमें जो पॉलिथीन है ये भी हम देते हैं कस्टमर को। अच्छा, बिल्कुल, जितने भी क्लोरोमेटल हमसे लेता है। इसके लिए छोटा पैकेट बनाने की जरूरत नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। अब बल्क में आधा किलो, 600 ग्राम, 400 ग्राम जितना इस पैकेट में आता है भर देना है, इकट्ठा वेट करके हमें दे देना है। अच्छा, हाँ। अब चलो सर, बात हो गई कि ये मशीन की, मटेरियल की। मान लीजिए अब कोई मटेरियल बना लिया, अब आपको भेज रहा है, वापस कर रहा है, बिल्कुल, तो उसका किराया उराया, ट्रांसपोर्ट का पैसा क्या है? सर मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर को छोड़ के, ठीक है, दिल्ली एनसीआर को छोड़ के जो हमारे जो दूर के जो कस्टमर भाई हैं, जैसे कि बिहार हो गया, आपका यूपी हो गया, या और भी कोई स्टेट हो गया, जी जी, वहां से अगर से हमसे कनेक्शन करता है, हमसे बायबैक करता है, तो वहां से जो भी माल वो भेजते हैं हमारे पास, उसका एक तरफा किराया हमारी तरफ से होता है। अच्छा, पैसा सर मान लीजिए आपको माल मिलने पे देते हैं, या कैसे उसको? सर देखिए, पैसा का बताता हूँ कि जैसे कि कोई भी कस्टमर जब माल लगाता है हमारे, हाँ, ट्रांसपोर्ट में, मेरे को माल रिसीव होने के 3 दिन के अंदर अंदर उसकी पेमेंट हो जाती है, और उसका जो रॉ मेटेरियल होता है वो भी डिस्पैच हो जाता है। अच्छा, हाँ, मैक्सिमम टाइम में हो सकता है हम जल्दी भी करते हैं। अच्छा, ठीक है, और दिल्ली एनसीआर के लिए ये सुविधा है कि हैंड टू हैंड माल लेके आओ, हैंड टू हैंड माल ले जाओ, और हैंड टू हैंड पेमेंट भी ले जाओ, उसमें अच्छा, कोई ड्यूरेशन नहीं है कि कल मिलेगी परसों मिलेगी, आओ माल रखो, पेमेंट लो, रॉ मटेरियल लो, और अब फ्री हो जाओ। अब कोई साथी ये बिजनेस शुरू करना चाहता है तो इसको कौन कौन बिजनेस शुरू कर सकता है? सर देखो, इसको हर कोई बंदा बिजनेस शुरू कर सकता है। इसमें किसी के पास कम लागत हो, कम लागत से शुरू कर सकता है, किसी के पास ज़्यादा पैसे हो, ज़्यादा पैसे से भी शुरू कर सकता है। हमारे पास प्लान्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, जहाँ सर मैं एक बार प्लान के बारे में जानना चाहूँगा, कितने टाइप का प्लान है आपके पास, कितने साल तक का प्लान है? सर ये 4 टाइप का प्लान है हमारा, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल। अच्छा, ये एग्रीमेंट का? बिल्कुल, एग्रीमेंट का। और उसी के साथ मशीन की भी वारंटी गारंटी? सर उसी के साथ मशीन की वारंटी गारंटी। अब 1 साल का एग्रीमेंट है तो 1 साल की वारंटी हो गई, और 5 साल का एग्रीमेंट है तो 5 साल की वारंटी। अरे वाह, और 15,000 से लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? 15,000 प्लस जीएसटी से लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो आइए इस ऑफर का लाभ उठाइए। बहुत अच्छा, देखना चाहते हो एक ऐसा ऑफर, एक ऐसा आपको बिजनेस दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिसे आपके लिए कोई बड़ा फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, कोई बड़े ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही कोई बड़ा कनेक्शन लेने की जरूरत बिजली का। सर छोटी सी मशीन, छोटे से टेबल पे, छोटे से रूम से, घरेलू बिजली से चलने वाला बिजनेस है ये, वो भी बिना लाइसेंस का? बिना लाइसेंस का सर, इसके लिए कोई जीएसटी लाइसेंस जरूरत नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब भी बता रहा हूँ, बहुत सारे जो कस्टमर है अब मेरे से फोन करके पूछते हैं, जी तो क्लियर कर दो इस बात को, इसके लिए किसी भी तरीके का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो सर अब मेरा कोई साथी ये बिजनेस शुरू करना चाहता है, आपके कंपनी आना चाहता है, तो कैसे संपर्क कर सकता है? सर देखो, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे, वैसे मैं आपको जगह बता देता हूँ, ये दिल्ली रोहिणी सेक्टर 2 नियर मंगोलपुरी पत्थर मार्केट में स्थित है। अच्छा जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद कि एक नया और एक बेहतर बिजनेस आइडिया मेरे साथियों को बताए हैं, दिखाएं। थैंक यू मोहित सर। थैंक यू।